तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैंने यहाँ पे मैसेलर सॉल्यूशन लिया। मैसेलर सॉल्यूशन आपके स्किन को क्लीन करने का काम करता है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो डस्ट वगैरह को अच्छे से क्लीन कर देता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सनस्क्रीन लगाई है। सनस्क्रीन के बाद मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का प्राइमर, जो कि बहुत ही अच्छा टेक्सचर देता है। काफ़ी अच्छा है इसके ना जो टेक्सचर है वो शिमरी में है। काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा है गाइस। इसको आपको अच्छे से मसाज करने, क्योंकि आपको जो है नेक वगैरह आप लोग देख सकते हैं, मैम का सब कुछ दिखा है, तो इसलिए आपको अच्छे से भर भर के हर चीज़ को लगाना है। मैंने यहाँ पे लिया है सेंस ब्यूटी का कंसीलर। कंसीलर से मैंने यहाँ पे आईज पे लगा दिया। उसके बाद ब्लॉन्डर की मदद से डैप डैप करें। याद रखें गाइस, ब्लॉन्डर आपका हल्का सा गीला होना चाहिए ताकि आपकी स्किन में अच्छे से मर्ज हो जाए। उसके बाद आपको लूज़ पाउडर लगाना है। मैं यहाँ पे ब्लॉन्डर की मदद से लूज़ पाउडर सेट कर दे रही हूँ। आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से भी लूज़ पाउडर को सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ब्राउन काजल, जिससे कि मैं आईब्रो फिल करूँगी गाइज। जो ब्राउन काजल है उससे आईब्रो अगर आप कभी भी फिल करते हैं तो बहुत ही नेचुरल लुक आता है गाइज, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक आता है। आप लोग कभी भी ट्राई करके देखिएगा गाइज, बहुत ही अच्छा लुक आता है। जिस तरीके से भी आप लोग कभी भी ट्राई करना चाहेंगे तो आप कभी भी ट्राई कीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं, अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आई शेडो। आई शेडो मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है इस तरीके से। मैंने यहाँ पे जो लिया है, पहले सबसे पहले लिया है डार्क पिंक में। मैं आपको दिखाती जाऊँगी जो भी मैं कलर यूज़ कर रही हूँ। अब आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे पिंक कलर लिया है। अच्छे से आपको ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड ब्लेंड करना है और काफ़ी अच्छे से आपको लगाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है पर्पल आई शेडो, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा हमें कलरफुल दिखानी है आईज, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पर्पल आई शेडो लिया है, जो कि बहुत प्यारा लगेगा मैम की आईज पर, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है मैम के आईज पे गोल्डन वर्क दूंगी, गोल्डन टच दूंगी, थोड़ा सा ग्लिटरी उसमें होने के लिए, ताकि बहुत अच्छा लगे वो आईज पे थोड़ा सा। क्योंकि देखो ये नाइट में भी फंक्शन में यूज हो सकता है, नाइट एंड डे दोनों का हो जाएगा ये गाइज। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका आईज के नीचे अगर हल्का फुल्का आई शेडो गिर जाए तो उसको क्लीन कर ले। तो जो आपने मैसेलर सॉल्यूशन से क्लीन करी हुई कॉटन है आप उसी से भी क्लीन कर सकते हैं, ताकि और भी अच्छे से हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे पिंक कलर का ग्लिटर लिया था, वो लगाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे गोल्डन वाला ग्लिटर लिया और एंड गाइज वो लगा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का ग्लिटर लिया, वो भी लगा दिया। तो गाइज मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ अगर आप जहाँ जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं व्लॉगिंग करना शुरू करूँ अपनी डेली व्लॉगिंग्स को, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि मैं क्या बनाऊँ, व्लॉग्स डालूँ या ना डालूँ। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं आपके साथ अपनी डेली एक्टिविटीज़ भी शेयर करूँगी। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आईलैशेज ली है। आईलैशेज मैंने यहाँ पे लगाई है। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर की आईलैशेज ग्लू ली थी। आप लोग चाहें तो जेल ग्लू भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको मैं एक तरीका और बताती हूँ। हमेशा से जो हमारी आईलैशेज है उसको बीच साइड से आपको खींचना है, ना कि साइड से। अगर आप साइड से खींचते हुए आगे को लाएंगे तो वो बहुत ही भद्दी लगेगी और वह ना लंबी सी हो जाएगी। मैम की आईज पे ये प्रॉपर आ रही थी इसलिए मैंने कट नहीं करा। उसके बाद मैंने सोचा लगे हाथ मैम की आईज पे लाइनर भी लगा देती हूँ, बार बार क्या मैम की आईज खुलवाना और बंद करवाना। तो मैंने यहाँ पे लाइनर भी लगा दिया था मैम की आईज पे। तो आप लोग देख सकते हैं लाइनर हमारा जो है डन हो गया, हमारा आईज मेकअप डन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्रायलोन पैलेट बेस पैलेट से बेस तैयार करूँगी स्किन का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑरेंज बेस लिया है, जो कि जहाँ पे भी हमारे डार्क स्पॉट्स होते हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं हमारे आईज के नीचे, वहाँ वहाँ पे हमें ये अच्छे से लगाना है। उसके बाद हमें अच्छे से लगाते हुए सारी चीज़ों को करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्किन टोन से मैच होता होता बेस लिया है, जिससे कि वो स्किन पे सेट हो सके। अब आप लोग देख सकते हैं अच्छे से नेक पे भी लगाना है गाइज, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि भाई फेस पे ज़्यादा गोरा दिख रहा है और नेक हमारी काली दिख रही है, ये अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल भद्दा मेकअप लगता है वो, जो अगर जहाँ पे नेक और फेस अलग अलग दिखता है गाइज। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ओवर अपसाइड वाला फाउंडेशन बेस लिया है, ताकि वो थोड़ा सा ओवर अपसाइड हो सके। अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास बेस पैलेट नहीं है तो आप लोग फाउंडेशन का यूज़ भी कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है गाइज। मेरे पास बेस पैलेट है इसलिए मैंने यहाँ पे बेस से ही कर दिया, मैंने फाउंडेशन का यूज़ नहीं किया है बिल्कुल भी। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर लिया है, जो हमारे हाइलाइटेड एरिया है वहाँ पे हमने हाईलाइट किया है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं ब्लॉन्डर की मदद से डैप डैप करते हुए आपको ये हाईलाइट करना है, जो भी हाईलाइटेड एरिया है उस तरीके से आपको अच्छे से मर्ज करना है।
देख सकते हैं आप किस तरीके से दिखा रही हूँ मैं। उसके बाद हमें क्या लेना है, लूज पाउडर लेना है। मैंने यहाँ पे कलर स्क्रीन का लूज पाउडर लिया, आप कोई सा भी लूज पाउडर ले सकते हैं। उसके बाद आपको लूज पाउडर से अच्छे से सेट करना है, आपको आईज के नीचे, फोरहेड पर, सारी जगह पे, नोज पर, सब जगह पे लगा देना है गाइज। उसके बाद मैं आपको एक हैक बताती हूँ, जिसके पास भी अगर कंटूरिंग करने के लिए कुछ ना मिले तो आप ब्राउन आई शेडो से भी कंटूरिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कंटूर हो रहा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे किया है हाईलाइटर। हाईलाइटर करने के बाद मैंने यहाँ पे एक ग्लिटरी हाईलाइटर लिया था, जो कि थोड़ा शाइन करे, नाइट में फंक्शन है मैम के यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लगे। अब मैंने यहाँ पे मेकअप फिक्सर से मेकअप फिक्स करने के लिए फिक्स कर दिया है फिक्सर। उसके बाद थोड़ा सा सूखने के लिए मैं इतने थोड़ा साइड में बैठ गई थी गाइस, थक गई थी थोड़ा सा तो मैं बैठ गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिप लाइनर से लिपस्टिक पे लिपस्टिक लगाई। मेरी ना थोड़ा लाइट शेड में लिपस्टिक चाहिए थी, तो मैम ने बोला मेरे को बेबी पिंक चाहिए, तो मेरे पास बेबी पिंक नहीं था, तो मैंने यहाँ पे एक हैक निकाल लिया कि लिप लाइनर से ही पूरी लिपस्टिक लगा दी मैम को। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मतलब इसका भी टेक्सचर बिल्कुल मैट की तरह है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होएगी, लॉन्ग लास्टिंग है। आप लोग भी इसको घर में ट्राई करें। आप ये देखिए मैम का फाइनल लुक, यहाँ पे मैंने बैठ के लिया था, फिर मैम को घुमा के लिया कि मैम थोड़ा घूम के दिखा दीजिए प्लीज़। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मैम का हेयर स्टाइल।